हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू से कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल यार। तो अगर मैं अपना स्टडीज़ का टाइम कट करके ना ये वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज मेरे को ना थोड़ी सी इसकी ज़रूरत है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं कर रही हूँ। तो अभी कुछ लोग कहेंगे यार रोना धोना स्टार्ट कर दिया, रोना धोना नहीं स्टार्ट किया। आई जस्ट वांटेड टू से कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई रियली नीड इट। अभी ये आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना, बिकॉज मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। आपको करना है कि नहीं करना है, इट्स अप टू यू ओनली। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो यस, हम अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो बच्चे बचे हुए हैं, मतलब फिर MNS की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, MNS की सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। अभी बहुत सारे बच्चे, बिकॉज इंटरव्यू और एग्ज़ाम जो था ना वो तो बहुत सारे बच्चों ने दिया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 197 फर्स्ट अलॉटमेंट वाली लिस्ट में बच्चे हैं एंड सेकेंड अलॉटमेंट वाली लिस्ट में 39 बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चे अभी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिकॉज उन्होंने सेकेंड इंटरव्यू के लिए भी बच्चे बुलाए हैं। फर्स्ट मतलब पहला क्या था कि फर्स्ट लिस्ट उन्होंने रिलीज़ की है ना, जिसमें सारे मतलब कैटेगरी के बच्चे थे, जनरल था, OBC था, SC ST था एंड NCC कैंडिडेट्स भी थे। वो तो ऑब्वियसली जनरल NCC कैंडिडेट तो ऑब्वियसली जनरल, OBC और SC ST में से ही थे है ना। फिर उन्होंने उसी के साथ में उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट को और साथ में ही रिलीज़ किया था कि अगर हमें अगर फर्स्ट लिस्ट में कैंडिडेट की वो पूरा नहीं हुआ तो हम लोग सेकेंड ये वेटिंग वालों को बुलाएंगे। ठीक, तो उन्होंने फिर वेटिंग लिस्ट वालों को भी बुलाया फर्स्ट लिस्ट में, और जिस शायद फर्स्ट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मिला के आई थिंक टोटल 2500 कुछ बच्चे थे, मतलब 2500 बच्चों के आसपास कुछ बच्चे थे। बट उसके बाद में किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि वो लोग सेकंड इंटरव्यू की डेट लिस्ट निकालेंगे, बट उन्होंने सेकंड इंटरव्यू वाली लिस्ट भी रिलीज़ की। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें उन्होंने सिर्फ सेकंड इंटरव्यू वाली लिस्ट में उन्होंने सिर्फ जो बच्चे जितने भी मतलब मेरा कांटेक्ट हो पाया या मेरे फ्रेंड्स का कांटेक्ट हो पाया या आप सब लोगों का कांटेक्ट हो पाया जिन्होंने मतलब मेरे को कमेंट किया था अर्लियर वीडियोस में, तो उनके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग यही है कि सेकंड इंटरव्यू वाली लिस्ट में जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा नहीं है, OBC कैटेगरी का भी कोई बच्चा नहीं है। उस वाली लिस्ट में सिर्फ SC ST वाले बच्चे हैं, और एक बच्चा मेरे को ऐसा मिला था जो OBC का था बट उसके पास NCC का सर्टिफिकेट था, तो वो भी सेकेंड इंटरव्यू वाली लिस्ट में है ना। तो अभी ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था इस सेकंड वाली लिस्ट ने कि जनरल मतलब अभी जो थर्ड लिस्ट अलॉटमेंट वाली लिस्ट आएगी उसमें सिर्फ SC ST वाले बच्चे होंगे, या फिर उसमें सिर्फ NCC कैंडिडेट वाले बच्चे होंगे, या फिर SC ST प्लस NCC कैंडिडेट वाले बच्चे होंगे, या फिर उस वाली इस थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में कोई जनरल कैटेगरी का भी मतलब जो बच्चा जनरल कैटेगरी में है उसका भी कोई चांस है। बिकॉज अभी जो अलॉटमेंट्स हुए हैं ना वो किस बेसिस पे हुए हैं वो किसी को नहीं पता है, मतलब सब ऐसे ही चल रहा है, चलता जाए, बिकॉज उन्होंने ना तो कोई बेसिस बताया कि और ना कोई क्राइटेरिया, मतलब कुछ है ही नहीं। ये हाँ ये पक्का है कि जिसके पास NCC का सी सर्टिफिकेट है वो भले ही उसके मार्क्स कितने भी कम है बट उसका आया है, और जो SC ST कैटेगरी का है उसको भी उन्होंने बुलाया, बट सारे SC ST वाले भी नहीं बुलाए उन्होंने। तो अभी जो सेकेंड इंटरव्यू वाली लिस्ट है, बिकॉज SC ST का जो वो रिजर्वेशन है ना, आई थिंक सिर्फ ओनली 15 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं मेरे को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे को किसी ने बताया था, एक्चुअली मेरे को नहीं, मेरे फादर को किसी ने बताया था कि इसमें ना जो रिजर्वेशन होता है उसमें 25 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो NCC के होते हैं, 15 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो SC ST के लिए रिजर्व होते हैं, मतलब ये जो 40 सीट्स हैं ना वो रिजर्व हैं NCC और SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मेरे फादर को, मतलब उनके एक फ्रेंड हैं जो एयरफोर्स रिटायर्ड है, ऑफिसर है ना, तो उन्होंने बताया था। अब शायद पता नहीं है उनको गलत इन्फॉर्मेशन है कि या, पर यही था उन्होंने बताया। मैंने एक दो से और पूछा था तो उन्होंने भी बोला था कि यस 40 सीट्स रिजर्व होती हैं, उसमें 15 जो होती हैं वो SC ST के लिए होती हैं और 25 NCC कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। तो ये था, बट अभी मेरे को थोड़े से कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि बिकॉज फर्स्ट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वाले में मतलब इतने बच्चे तो होंगे ही आराम से कि उनको 15 बच्चे SC ST वाले मिल जाएं, बट फिर भी उन्होंने अगर थर्ड लिस्ट जो है वो सेकंड इंटरव्यू लिस्ट अगर रिलीज़ करी है सिर्फ SC ST वाले बच्चों को लेने के लिए, तो फिर उनका जो क्राइटेरिया है वो समझ नहीं आ रहा कि सिलेक्शन बेसिस का उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है। बिकॉज क्या है ना कि मतलब एक तो वही कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में जो
वो जो एमएनएस की जो सीट्स है ना, पहले 220 हुआ करती थी, तो शायद अभी कुछ इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए उन्होंने सेकंड इंटरव्यू लिस्ट मंगाई है, मतलब रिलीज़ करी है। अगर लेकिन अगर ऐसा होता ना कि सीट इंक्रीज़ हुई है, तो फिर उसमें जनरल वाले बच्चे भी होते हैं, उसमें ओबीसी वाले बच्चे भी होते हैं। तो ये तो यहीं ख़त्म हो जाता है कि कोई सीट इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है एमएनएस के लिए। और अब कुछ बोलेंगे कि मतलब फिर सेकंड अलॉटमेंट वाली लिस्ट में 39 बच्चे कैसे आए, वो इसलिए आए क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट अलॉटमेंट की जो लिस्ट रिलीज़ की थी ना, वो उसमें 197 बच्चे थे, ठीक है। तो वह पूरे टोटल 197 ने वहाँ पर कॉलेजेस में रिपोर्ट नहीं किया है, ओनली 147 बच्चों ने रिपोर्ट किया है, इसलिए क्योंकि वहाँ से 50 बच्चे थे ना, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए उनको सेकेंड अलॉटमेंट वाली लिस्ट में 39 बच्चे जो हैं वो उनका रिलीज़ करना पड़ा। 39 बच्चों को, कैंडिडेट को उन्होंने वहाँ पुट किया। अब देखते हैं कि मतलब टोटल अब जो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी ना, वो उस बेसिस पे आएगी कि कितने बच्चे वहाँ रिपोर्ट कर चुके हैं, मतलब जितने बच्चे रिपोर्ट कर चुके होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर वो 220 में से जितने बचेंगे उसकी थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट बनाएंगे वो। और मेरे को अब थोड़ा सा चांस लग रहा है जनरल कैटेगरी वालों का कि वो शायद इस में आ सकते हैं, बिकॉज अगर मान लो कि जैसे जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट वाली लिस्ट में से भी 50 बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया था, अगर सेकंड अलॉटमेंट में जैसे 39 है, अगर उसमें से भी अगर बच्चों ने नहीं किया ना वहाँ रिपोर्ट, तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड अलॉटमेंट वाली लिस्ट में भी कुछ जनरल के बच्चों को वो पुट कर दें, बिकॉज वहाँ पर जो सीट्स खाली होंगी ना रिजर्वेशन के बाद में, तो उनको फिल करने के लिए उनको जनरल वाले बच्चों को डालना पड़ेगा उस लिस्ट में, थर्ड अलॉटमेंट वाली लिस्ट में। तो इसलिए हो सकता है कि बिकॉज कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि मतलब थर्ड अलॉटमेंट वाली लिस्ट में हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता जनरल वाले और ओबीसी वाले, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी ना जिसके ना एक तो ज़्यादा नंबर है, दूसरा मेरे को जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया लग रहा है वहाँ पर जो CBT और जो PAT का एग्ज़ाम हुआ था वो मेन था उधर, तो उसके बेसिस पर हुआ है। वेदर कितने मार्क्स आपने नीट में सिक्योर करें उससे मतलब नहीं है मेरिट लिस्ट के लिए, जो मुझे लग रहा है, बाकी कुछ पता नहीं है। तो जिसके कम मार्क्स है वो तो भैया अब वैसे तो मोस्टली बच्चे स्टार्ट कर ही चुके हैं प्रिपरेशन अपनी, तो आप लोग ये तो अब ये सोच के मत बैठ जाना कि यार थर्ड अलॉटमेंट में हमारा ना हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत करो बिकॉज 2023 वाला MNS का डेट भी आ ही चुका है, बिकॉज इस बार भी MNS जो है वो नीट से ही हुआ और नीट की डेट आ चुकी है 7 मई, तो इसके हिसाब से ना तो MNS की डेट आ चुकी है कि MNS का एग्ज़ाम भी रिटर्न जो है वो 7 मई को होने वाला है, फिर इंटरव्यू वगैरह तो उसके अकॉर्डिंग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, बिकॉज आ गया तो ठीक है बांधो अपना बैग वैग और चले जाओ, अगर नहीं आया तो साल बर्बाद हो जाएगी। और फिर मैंने आपको बताया था FCAT का, जो जिनकी BSc कंप्लीट हो गई है जिन बच्चों की, वो प्लीज़ FCAT का एग्ज़ाम फॉर्म भर दो, बाय वाले बच्चे भी भर सकते हैं, तो जिसकी जिसकी BSc कंप्लीट है वो FCAT का फॉर्म भर दो, बिकॉज FCAT की जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है और आज आई थिंक 20 हो चुकी है, तो आप लोग अगर किसी को भरना है तो भर सकते हो। उसकी जो फीस है वो आई थिंक फॉर्म फिलिंग फीस सिर्फ 250 है, तो आप लोग भर सकते हो, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही दे दो कि मतलब कैसा होता है कैसा नहीं होता, वो एक बार आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, तो वो भी आप दे देना। एंड रही बात कि मतलब ये थर्ड लिस्ट आएगी कब, तो MNS की जो थर्ड फाइनल फाइनली बोल दो अब, मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट सेकंड अलॉटमेंट तो अब फाइनल मेरिट लिस्ट ही आएगी, तो बिकॉज अभी इंटरव्यू ख़त्म हुए हैं बच्चों के जो सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, उनका लास्ट इंटरव्यू जो था वो 19 दिसंबर को था, तो अभी वो कंप्लीट हुए हैं, तो अभी जैसे अभी तो वो वहाँ से बेस हॉस्पिटल से ही मतलब बच्चे फ्री नहीं हुए होंगे, बिकॉज 3 दिन तक वहाँ पर स्टे करना पड़ता है, उनका मेडिकल वगैरह भी चलता है ना, तो इस वजह से वो तो आई थिंक 19, 20, 21, 22 तक वहाँ से बेस हॉस्पिटल से होंगे वो फ्री, फिर वो कुछ बच्चे री अपील के लिए जाएंगे मेडिकल के लिए, तो फिर वो RNR में भी टाइम लगेगा, आराम से लग जाएगा 1 वीक वहाँ पर, तो फिर उसके हिसाब से मतलब दिसंबर तो गया, दिसंबर में तो आने वाली नहीं है, है ना, फिर री अपील तक कंप्लीट होकर दिसंबर निकल जाएगा, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो 15 दिन वहाँ भी लग जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि जो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगी या फिर मिड जनवरी में आएगी, तो इतना टाइम वेस्ट करना मतलब बकवास वाली बातें हो जाएगी कि मतलब इतना टाइम वेस्ट करोगे फिर भी किसी का नहीं आया तो मतलब कहाँ जाओगे फिर तुम लोग, घर वालों की गालियाँ और पड़ेंगी, तो इससे अच्छा है कि आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, अपना पढ़ते रहो, बिकॉज नीट का एग्ज़ाम इस बार टफ होगा, टफ इन द सेंस कि मतलब पूरा टाइम मिल रहा है, बस जुलाई में हुआ था और मई 7 को रिजल्ट है, और बच्चों के बोर्ड भी हो जाएंगे मार्च तक, बच्चे बोर्ड से भी फ्री हो जाएंगे, तो मार्च अप्रैल मतलब शायद इस बार बोर्ड जो है वो फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं CBSE वाले बच्चों के, तो टाइम वेस्ट मत करो, होना होगा तो
आए, अगर मेल तो चले जाना, नहीं आए तो फिर 2023 के लिए प्रिपेयर करो। हाँ, बट ये है कि थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में बच्चे आ सकते हैं जनरल कैटेगरी के, अगर वहाँ पर जो जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट वाली लिस्ट में बुलाए हैं उन्होंने, अगर कंप्लीट जो कंप्लीट बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया तो आ सकते हैं, वरना अगर उन्होंने कर दिया होगा उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो नहीं भी आ सकते हैं। बट SC ST वालों बच्चों की तो आएगी थर्ड लिस्ट, जो इंटरव्यू के लिए अभी बुलाए थे ना सेकेंड लिस्ट वाले, तो वो आएगी, तो डोंट वरी, जिसका आना होगा वो आ जाएगा। बट अब आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? और एफ कैट का फॉर्म भर देना, एफ कैट का ऐसे ही भर दो एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस ही सही, तो उसका भी भर देना। एंड और मुझे क्या बताना था, हाँ, और थर्ड वीक जो थर्ड लिस्ट है वो आएगी भी मिड जनवरी तक, तो या फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक, तो इतना टाइम वेस्ट भी मत करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।